नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। मैं करण, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने नई वीडियो में। तो आज हम दोस्तों लेके आए आपके लिए टू बेडरूम का फ्लैट, मतलब MIG फ्लैट, DDA का 2 BHK का फ्लैट लेके आए, जो कि आपका एक्सटेंड हो सकता है, 3 BHK में कन्वर्ट हो सकता है और बढ़िया आपका 3 BHK बन सकता है। तो फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट होने वाला है। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ, सर्वोदय अपार्टमेंट, जिसको सूर्य उदय भी बोलते हैं नॉर्मली, इसको पहले इसका जो नाम है जो आपको बोर्ड में मिलेगा वो सूर्य उदय मिलेगा, वैसे सेक्टर 12 पॉकेट 8। ठीक है दोस्तों, आपका रेडिसन ब्लू होटल के जस्ट सामने वाला पॉकेट है। लोकेशन 1 नंबर प्राइम लोकेशन का फ्लैट होने वाला है। सोसाइटी भी बहुत बड़ी होने वाली है, इससे बड़ा पार्क आपको DDA की सोसाइटी में नहीं मिलेगा, जितना बड़ा पार्क इस सोसाइटी में आपको मिल जाता है। तो ये होने वाला है आपका 2 BHK का फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट। आइए गो थ्रू करते हैं एक बार इस फ्लैट को और जानते हैं इसका क्या रेट है। तो यहाँ पे मिल जाता है इसका लॉबी एरिया, जो देखेंगे आप, ये लॉबी एरिया हो जाता है। ये आपका स्टेयरकेस है, सामने उस तरफ भी 2 फ्लैट्स हैं और 2 फ्लैट आपको इस तरफ मिल जाते हैं। ये लॉबी एरिया से आपको कुछ इस तरीके का सामने आपको व्यू मिल जाता है। अब करेंगे फ्लैट में एंट्री। ये आपका हो जाता है लिविंग प्लस डाइनिंग। तो देख सकते हैं 2 बेडरूम के हिसाब से बहुत बड़ा इसका लिविंग प्लस डाइनिंग मिलने वाला है। आप उधर डाइनिंग बना सकते हैं, ये आपका अपना लिविंग बना सकते हैं। फ्लोरिंग पे काम हुआ हुआ है, फ्लोरिंग पे आप देखेंगे टाइलिंग का काम हुआ है, वाइट वॉश हुआ हुआ है, वुडवर्क वगैरह सारा हुआ हुआ है इसमें। आपको इसमें आपको मिलती है अटैच बालकनी, ये आपको अटैच बालकनी मिल जाती है यहाँ पे। अगर अब मैं आपको बताता हूँ, चौड़े रोड का फ्लैट है, देखेंगे आपको सामने आपको चौड़ा रोड मिलेगा, बेड़ा रोड नहीं है। और ये 3 BHK कैसे कन्वर्ट होता है, अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपका पर्टिकुलर फ्लैट है जो साइज़ है, उसके बाद आप देखेंगे कॉर्नर वाले ने कैसे बढ़ाया हुआ आगे तक। ऑलमोस्ट ये इस तरीके से 8-10 फुट के आसपास बढ़ता है, सामने भी बढ़ाया हुआ है। नॉर्मली फ्लैट का साइज़ इतना होने वाला है, नॉर्मली फ्लैट का साइज इतना होने वाला है और इतना ही बढ़ जाता है। जैसे सामने देखेंगे आप उस तरफ, तो ये भी आप देखेंगे तो ये बढ़ चुका है, ये आगे लोगों ने बढ़ा दिया है, नीचे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लैट बढ़ के ये आपको 3 BHK में कन्वर्ट हो सकता है। इस पोर्शन को आप चाहें तो एक रूम में कन्वर्ट कर दो जहाँ से गेट निकाल के, और इस वाले पोर्शन को आप चाहें तो बालकनी में आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हो जाता है इस तरीके से आपका 3 BHK कन्वर्ट। तो अगर आप बात करते हैं इसके बेडरूम्स की, तो अभी पर्टिकुलरली एक्सटेंड नहीं है, अभी पर्टिकुलरली 2 BHK है, तो उसी हिसाब से इसका जो है डिमांड होने वाला है। तो इसका पहला बेडरूम होने वाला है ये, आपका साइज़ देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज़ का पहला बेडरूम आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं। अगर मैं मोटा मोटा आपको साइज़ की बात बता देता हूँ, तो साइज़ होने वाला है इसका 10x13 के आसपास का साइज़ होने वाला है, जिसमें आपको अलमीरा का स्पेस सेपरेटली दिया गया है, नॉट इन योर क्या बोलते हैं आपका बेडरूम साइज़ में नहीं कन्वर्ट होता है, ये अलग स्पेस है। सेपरेशन दिए हुए हैं, देख सकते हैं ऊपर तक आपको स्टोरेज मिल रहा है, जहाँ भी स्टोरेज मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, नीचे भी स्टोरेज है और ये भी आपका स्टोरेज है, बीच में आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन का आपको एक ऑप्शन छोड़ दिया है। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। टाइलिंग का काम है, वाइट वॉश वगैरह सारा किया हुआ है। उसके बाद आप आएंगे सेकेंड बेडरूम आता है आपका इधर, ये आता है आपका सेकेंड बेडरूम, टाइलिंग का काम हो रखा है। अब देखेंगे साथ साथ में ये मिल जाता है आपको, ये एक पर्टिकुलरली एक्सटेंड किया हुआ किचन एरिया बनाया गया है, उनके जो पहले रहते थे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाहें तो इसको अपना ड्रेसिंग एरिया बना लें, प्रॉपर अपना क्या बोलते हैं उसको वार्डरोब एरिया बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक एरिया है, वेंटिलेशन मिल जाता है उधर। इधर मिल जाता है आपको एटिक, जिसमें आप अपना स्टोरेज जो किसी भी तरीके की स्टोरेज आप इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं अपना वॉशरूम्स पे और किचन पे। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये मिल जाता है आपको किचन एरिया। अगर मैं साइज़ की बात कर देता हूँ किचन एरिया की, तो ऑलमोस्ट 6x10 के आसपास का, 6x8-9 के आसपास का इसमें साइज़ मिलने वाला है। वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आते हैं आपका, इसमें भी देखेंगे आपको टाइलिंग टूलिंग का सारा काम हो रखा है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज मिल जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब आएंगे दोस्तों इस तरफ, ये आपको मिल जाता है अपना ओनली वॉशरूम, जो कि वेंटिलेशन मिल जाता है आपको। ये मिल जाता है आपको बाथरूम और वॉशरूम, मतलब बड़ा वॉशरूम जिसको आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट साइज़ मानने वाला 7x6 या 7x7 के आसपास का। वेंटिलेशन है, प्रॉपरली फिटिंग है, टाइलिंग का काम है, नीचे भी टाइलिंग का काम आपको
मिल जाते हैं। तो ये सारे काम आपको इसमें मिलने वाले हैं। एक तरीके से आप मान लो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है तो फ्लैट में 1% भी कोई कमी नहीं होने वाली है। जस्ट आपने लेना है, उसके बाद इसको टोटली बहुत ही प्यार से आपने इसको रेंट आउट कर देना है, जो कि बहुत आराम से हो जाएगा। रेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑलमोस्ट आपको 2300-2400 रुपये आराम से रेंट मिलने वाला है इस तरीके के काम के साथ, क्योंकि इसी सोसाइटी में। क्योंकि देखो सर, मेट्रो भी बहुत पास है यहाँ से आपका, सेक्टर 13 का मेट्रो इस हाथ पे पड़ता है, सेक्टर 12 का मेट्रो इस हाथ पे पड़ने वाला है आपको। तो दोनों तरीके से आपको मेट्रो पास मिल जाता है। साथ साथ में अगर मार्केट की बात कर देता हूँ, सामने आशीर्वाद चौक है, तो जस्ट सॉरी आपका KM चौक है, उससे पहले मार्केट पड़ता है 11 का 12 का, ये हो जाता है। साथ ही साथ में रेडिसन ब्लू मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आपको रेडिसन ब्लू होटल है सेक्टर 13 में, रेडिसन ब्लू होटल है। सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रेडिसन ब्लू होटल की आपकी बिल्डिंग होने वाली है। तो आपको ये मिल जाता है, इसमें आपको क्या बोलते हैं प्लस पॉइंट कि भाई देखो, 5-star होटल के पास अगर कोई भी सोसाइटी है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली आपको बड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। ये आपको बड़ी बालकनी इसमें मिलने वाली है। तो ये हो जाता है दोस्तों फ्लैट गो थ्रू, बहुत अच्छा फ्लैट है, और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रहने के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया फ्लैट होने वाला है। अगर मैं इसका डिमांड की बात कर दूँ, 1,15,00,000 रुपये का डिमांड होने वाला है, जो कि नेगोशिएबल अमाउंट है। आप आइए, आके आप फ्लैट देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा सेटल टोन में, सेटल डील कराने की इसमें हम कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा फ्लैट है और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है सोसाइटी में, खुली डुली सोसाइटी है। जैसे आप ये रोड देखेंगे, इधर आपका चौड़ा रोड मिलता है, इधर ये आपका चौड़ा रोड है, साथ साथ में इधर आपका बहुत चौड़ा रोड है, ये जो आप सामने देखेंगे, इधर आपका इस तरफ आपका चौड़ा रोड हो रहा है, ये सामने आपका पार्क जो कि काफ़ी बड़ा है, जो कि इन वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये हो जाता है दोस्तों फ्लैट गो थ्रू, बहुत अच्छा फ्लैट है, DDA का फ्लैट होने वाला है, सेक्टर 12 में, सेक्टर 12 पॉकेट 8 में, सर्वोदया पार्ट में, जिसको सूर्योदय भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका फ्लैट गो थ्रू, 1,15,00,000 का डिमांड है, बहुत अच्छे डिमांड पर प्राइस आए, और बहुत अच्छे डिमांड पे फ्लैट आया हुआ है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और द्वारका प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो डेली अपडेट्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर डेली एक शॉर्ट वीडियो हम डाल देते हैं, जो भी हमारे पास इन्वेंट्री न्यू आया होता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।